हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो आज हम लोग दिखाएंगे, जब हम लोग प्रेशर कुकर बहुत दिनों से यूज़ करते हैं तो बीच बीच में क्या होता है ना, कुकर के अंदर ये देखिए ऐसे दाग बन जाता है। देखिए कैसे स्टेन बन गया, हम लोग कुछ उबलते हैं तो उसका दाग इधर लग जाता है। तो वो दाग हम लोग कैसे हटा सकते हैं बहुत इजीली। जो भी है, ये दाग खाने पे कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, या कुकिंग फंक्शन में या प्रेशर कुकर फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप लोग देख रहे हैं ना, दाग है। सो ये दाग हम लोग कैसे हटाते हैं वही आज लोग हम लोग दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बोलूँगा, यू जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एज बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। सो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो लगेगा विनेगर लगेगा, एंड ये जो बेकिंग पाउडर है ना, सोडियम कार्बोनेट, ये बेकिंग पाउडर लगेगा एंड थोड़ा सा पानी लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कप पानी डाल देंगे इसमें, एंड इसमें 2 चम्मच बेकिंग पाउडर एंड 2 चम्मच विनेगर डाल देंगे। सो देखिए, पानी, बेकिंग पाउडर एंड विनेगर डाला मैंने। देखिए कैसे रिएक्शन हो रहा है, आवाज़ भी छोड़ रही है, अंदर आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन हो रहे हैं। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ढक्कन बंद करेंगे एंड इसमें 2 हुइसल लगाएंगे। सो देखिए, कुकर को गैस पे चढ़ा दिया एंड 2 हुइसल लगाएंगे। सो ये फर्स्ट हुइसल आया, और भी 2-3 हुइसल लगाएंगे। तीनों हुइसल और 1 हुइसल लगा देंगे, 4 हुइसल बस। अभी ये गैस बंद कर दिया एंड ये प्रेशर को रख देंगे 5 से 7 मिनट, उसके बाद पानी छोड़ देंगे एंड प्रेशर रिलीज करके देखेंगे। तो चलिए, 5-6 मिनट हो गया तो अभी भी इतना प्रेशर है। तो मैं क्या करूँगा, ये बेसिन पे लाऊंगा, क्योंकि इसमें जंक निकलेगी तो बेसिन पे लाऊंगा एंड ऊपर से पानी छोड़ दूंगा तो प्रेशर निकल जाएगी, उसके बाद खोल के देखेंगे। देखिए प्रेशर कुकर खोला तो स्टेन बहुत सारा निकल गया है, एंड और जो स्टेन थोड़ा सा बाकी है वो साबुन से घिस लेंगे, तो घिस के दिखाएंगे पूरा साफ हो गया है। सो देखिए, ये स्कॉच ब्राइट लिया एंड साबुन लिया एंड पूरा घिस लिया, ठीक है। अभी हम लोग धो देंगे, तो देखिए धोने के बाद कैसे होता है। तो पहले ये ढक्कन को धो लेते हैं। तो ढक्कन पे ऐसे कोई दाग नहीं था, पर हम लोग ढक्कन भी धो दिया। स्कॉच ब्राइट को थोड़ा सा धो लेते हैं। लोग देख ही रहे हैं, ये स्टेन निकल गया, जैसे स्टेन था उससे बहुत कम अभी स्टेन है। तो आप लोग ऐसे ही फॉलो कीजिए एंड ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितना जल्दी से ये स्टेन निकल गया एंड पूरा कुकर साफ हो गया है। तो आप लोग भी ऐसे फॉलो कीजिए एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट कोई वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे। बाय।